नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, तो आज हम एक छोटी थाली बनाएंगे। पनीर और आलू की भुर्जी और राजगीरा की पूड़ी बहुत फटाफट बन जाती है ये, और पनीर की वजह से बहुत हेल्दी हो जाएगी। तो आइए बनाते हैं इस छोटी थाली को हम। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक कटोरी राजगीरा का आटा लिया है, ये लगभग 100 ग्राम है, और इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैंने दो आलू बॉईल करके उन्हें अच्छे से मैश करके लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, उससे बहुत ही कुरकुरी पूड़ी बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इसे हम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। पानी हम बाद में डालेंगे, पहले इन्हीं को हम अच्छे से मैश करेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर बहुत थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, एक साथ आप ज़्यादा पानी ना डालें इसमें। और अब इसे अच्छे से मिलाते हुए एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे, और इस पर हम थोड़ा सा घी लगाकर इसे रेस्ट करने के लिए 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक आइए हम भुर्जी बना लेते हैं, और इसे ढक कर रख दीजिए। तो देखिए, एक पैन में मैंने घी लिया है, आप चाहे तो मूंगफली का तेल या जो भी खाते हैं व्रत में वो यूज़ करें। इसमें हम जीरा डालेंगे गर्म होने पर, और ये मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली है, और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके लिया है। इन्हें हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, कम या ज़्यादा। यहाँ मैंने देखिए दो आलू बॉईल करके लिए हैं, बारीक काट लिया है उन्हें। इन्हें भी हम अच्छे से इसमें कुक कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए मिलाते हुए। और फिर दो टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ, इन्हें हम अच्छे से मिलाएंगे। सेंधा नमक डालेंगे यहाँ हम, और टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्च डालेंगे, और इन्हें अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। तो आइए अभी इन्हें ढक देते हैं, और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। तो बहुत अच्छे से आलू और टमाटर मैश हो जाएंगे और कुक हो जाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो गए हैं, तेल भी छोड़ दिया है। अब यहाँ मैंने 150 ग्राम पनीर लिया, जिसे कद्दूकस कर लिया था, यहाँ इसे डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब आप चाहें तो इसे बिल्कुल इसी तरह सूखी रख सकते हैं, या बहुत थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम फिर से मिलाएंगे और अच्छे से फिर से कुक करेंगे सिर्फ 3-4 मिनट के लिए, और ढक देंगे। थोड़ी देर में ये घी छोड़ देगी, और देखिए फटाफट से हमारी पनीर और आलू की भुर्जी रेडी हो गई है व्रत में। हेल्दी भी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है इसने। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, और ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो आइए अब पूड़ी बना लेते हैं। देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसको हम फिर से थोड़ा सा गूंथ लेंगे। और एक पॉलीथीन लेंगे इस तरह की, हम उस पर हम घी लगाएंगे, और अच्छे से घी को थोड़ा सा उसमें फैला देंगे। और हाथ में छोटी सी लोई लेंगे, जितनी बड़ी आप लेना चाहें उतनी ले लीजिए। और इस पर भी हम थोड़ा थोड़ा सा घी दोनों साइड में लगा लेंगे। तो पॉलीथीन के बीच में देखिए इस तरह से हम लोई को रखेंगे, और बहुत सॉफ्ट हाथों से बेलन के हेल्प से हम इसे बेलेंगे, क्योंकि ये साइड से क्रैक हो जाती हैं ये, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट हाथों से करें, और इसीलिए पॉलीथीन पे इसे हम करते हैं। तो देखिए इस तरह से आप पूड़ी रेडी कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगी ये घी लगाने के कारण। और इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ बेलकर रेडी कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ मैंने मूंगफली का तेल लिया, उसे गर्म कर लिया है, और गर्म तेल में हम पूड़ी डालेंगे, और इस तरह से उस पर तेल फैलाते हुए थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हम पूड़ी बनाएंगे। आप देखेंगे इतनी फटाफट से पूड़ी फूल जाएगी, और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और बहुत अच्छे से ये कुक हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ रेडी कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया फूली हुई, बहुत ही क्रिस्प पूड़ी बनी है। तो अब हम सारी पूड़ियाँ रेडी कर लेंगे, और देखिए ये हमारी इतनी बढ़िया छोटी थाली, हेल्दी थाली रेडी। आप थोड़ा सलाद लीजिए, साथ में थोड़ा रायता लीजिए, और इस तरह से इस छोटी सी थाली को रेडी कर लीजिए, और नवरात्रों में इस तरह खाना खाइए, हेल्दी खाना।